चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, अर्ली डिस्कवरीज देखी थी, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस की तरफ चल रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें असेंशियल हैं उनको देखते हैं। तो देखो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं यहीं पे, असेंशियल थिंग्स, असेंशियल थिंग्स फॉर, थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस, असेंशियल थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या असेंशियल चीजें, मतलब किस किस चीज की जरूरत होती है। देखो सबसे पहली जरूरत तो भैया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। घर में खाना बनाओगे और सब्जी नहीं होगी, दाल चावल नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? तो ऐसे पेड़ खाना बनाएगा, अगर पेड़ खाना बनाएगा तो भाई अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो क्या पेड़ खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहला क्या हो, रॉ मटेरियल, भैया सब्जी खरीद के लाओ। उसके बाद सेकंड, खाना बनाओगे तो गैस भी तो चाहिए, तभी तो उसको एनर्जी दोगे, खाना पकेगा तो ये भी तो अपना खाना पकाएंगे, और इनको एनर्जी किस कौन सी फॉर्म में चाहिए? सनलाइट, सनलाइट की फॉर्म में चाहिए, बोलो हाँ या ना। तीसरी चीज, जब खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, नमक मसाले तो डालोगे, नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? उबला हुआ खाना खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना, स्वाद नहीं आएगा। तो क्या है, अब मसाले डाल लें। मसाले का मतलब यहां पे क्या होगा, पिगमेंट्स। क्या होगा? पिगमेंट्स, बोलो पता चला। अब अगर हम लोग पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स की बात करें तो जरा बताओ, हाइयर प्लांट्स नॉर्मली हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। अब पिगमेंट्स में जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कोई भी हो, किसकी बात कर रहे हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्लोरो, हाँ क्लोरोफिल, ए बी सी डी ई, मीन यही मिलते हैं। और क्या होता है, और होता है बैक्टीरियो, बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और क्या होगा, बैक्टीरियो, हाँ बोलो बैक्टीरियो विरिडिन, बोलो समझ आ रहा है? तो देखो पिगमेंट कौन कौन से हुए, एक तो क्लोरोफिल ए, देखो फर्स्ट लिख लो इसको, ये वाले जो पिगमेंट्स हैं ये मेन पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है, क्या है, मेन पिगमेंट्स है, बोलो क्लियर है? सेकेंड और क्या पिगमेंट्स हो सकते हैं, कैरेटोनॉइड्स, कैरेटोनॉइड्स, कैरेटोनॉइड्स। अब कैरेटोनॉइड्स से बेटा दो तरह के होंगे, कैरोटीन और जेंथोफिल्स, है ना? तो कैरेटोनॉइड दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। देखो नाम सुने हैं? हाँ, तो कैरोटीन और जेंथोफिल, ये नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पिगमेंट बोलो क्या होगा, फाइकोबिलिन, वेरी गुड, थर्ड पिगमेंट इज फाइकोबिलिन, थर्ड पिगमेंट इज फाइकोबिलिन। अब फाइकोबिलिन भी दो तरह के होंगे, ऐसे लिख देते हैं जगह नहीं है, एक तो फाइको इरिथ्रिन और दूसरा फाइको साइनिन, हाँ साइनिन, साइनिन। तो एक क्या हुआ, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन का कलर कैसा होता है बच्चों, रेड कलर होता है, रेड, जबकि सेकंड वन इज फाइको साइनिन, फाइको साइनिन का कलर बोलो कैसा, फाइको साइनिन का कलर कैसा होता है बोलो, पर्पल होता है, ब्लू या पर्पल लिख सकते हो, लेकिन पर्पल बोलो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाइकोसाइनिन का कलर ब्लू या पर्पल, बोलो पता पड़ा? तो ये क्या है आपके, ये आपके पिगमेंट्स, बोलो क्लियर है? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो देखो यहां लिख दें, देखो क्लोरो फिल ए, और यहां लिख देते हैं क्लोरोफिल
क्लोरोफिल बी। तो दो तरह के पिगमेंट्स हैं आपके पास, एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा है क्लोरोफिल बी। देखो सबसे पहला डिफरेंस, क्लोरोफिल ए में एक्स पोजीशन पर, अभी बताऊंगा कि क्या होती है एक्स पोजीशन, क्या होती है सेकेंड रिंग के थर्ड कार्बन की पोजीशन को एक्स पोजीशन बोलते हैं। अभी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा क्लोरोफिल ए का, तो वहां क्लियर हो जाएगा ना। तो यहां पे एक्स पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि क्लोरोफिल बी में एक्स पोजीशन पर कौन प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है? CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। बोलो इतना क्लियर है? अब देखो जब आप इनकी क्रोमेटोग्राफी कराते हो ना, तो ये अलग अलग कलर देंगे। जब क्लोरोफिल ए की क्रोमेटोग्राफी कराओगे, क्रोमेटोग्राफी पता है एक कंटेनर लिया, इसमें आपका लिक्विड था, स्ट्रिप्स डालते थे, याद है क्रोमेटोग्राफी? अभी कराऊंगा आगे, रुक जाओ, केमिस्ट्री में करेंगे ना। जैसे ही आप क्रोमेटोग्राफी कराओगे क्लोरोफिल ए की, तो आपके पास आएगा ब्लूइश ग्रीन कलर। कैसा कलर आएगा आपके पास? ब्लूइश ग्रीन कलर। तो कैसा कलर होगा? ब्लूइश ग्रीन कलर। लेकिन जब आप क्लोरोफिल बी की क्रोमेटोग्राफी कराओगे ना, तो आपके पास आएगा ऑलिव ग्रीन कलर। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपने क्लोरोफिल ले लिया, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिया, यहां पे एक स्ट्रिप डाल दी, पढ़ा था स्ट्रिप डाल दी। अब स्ट्रिप से क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर चलेंगे और यहां पे अलग अलग कलर की लाइन आने लगती है, याद है? ये जो था पेपर क्रोमेटोग्राफी, याद है पेपर क्रोमेटोग्राफी? क्लास 12 में प्रैक्टिकल में भी किया था। हाँ, जिनको याद नहीं है, यही है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बोलो क्लियर है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मेन ये दो डिफरेंस याद रखने, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का है भाई, कर लोगे याद? चलो छापो फटाफट, फिर क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। सिर्फ क्लोरोफिल ए ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है, है ना? सबके स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, इतना ज्यादा डिटेल में आपसे नीट में नहीं पूछा जाता है ना। तो देखो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले देखो, जैसे ही मैं क्लोरोफिल ए की बात करूंगा, तो दो पार्ट होते हैं क्लोरोफिल ए में। एक होता है हेड यानी सिर, और दूसरी होती है पूंछ यानी टेल। जो हेड होता है उसको बोलते हैं पॉरफायरिन हेड, और जो टेल होती है उसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? फाइटोल चेन। क्या बोलते हैं? फाइटोल चेन। तो एक तो क्या होगा, पॉरफायरिन हेड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? फाइटोल चेन। तो पॉरफायरिन हेड और फाइटोल चेन। अब देखो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का, बीच में बैठा होता है मैग्नीशियम, बीच में बैठा होता है मैग्नीशियम। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम मेटल होता है। यहां पर देखो ये चार अलग अलग जगह से रिंगों से कंबाइन है, देखो ये आ गई चार रिंग। क्या बता सकते हो कौन सी रिंग्स है? इन रिंग के नाम बता सकते हो? क्या आपने केमिस्ट्री में इन रिंग के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं? बोलो जरा बताओ। हाँ नहीं, पायरिडीन नहीं बेटा, पायरोल रिंग। तो ये रिंग नंबर फर्स्ट, ये रिंग नंबर सेकंड, ये रिंग नंबर थर्ड,
और ये रिंग नंबर फोर। तो फर्स्ट टू फोर्थ, ये जो रिंग होती है इनको बोलते हैं पायरोल, पायरोल रिंग। कौन सी रिंग है बेटे? पायरोल रिंग। अब जो रिंग नंबर थर्ड है ना, उससे एक रिंग और जुड़ी हुई होती है, ये रिंग, यानी इसको बोलते हैं रिंग नंबर फिफ्थ, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। तो जो फिफ्थ वाली रिंग है कैसी रिंग है? साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन रिंग। क्यों? क्योंकि देखो कीटोन दिख रहा है क्या, और कीटोन की वजह से क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। तो साइक्लोपेंटेनोन रिंग। अब ये रिंग आपस में भी कनेक्टेड होती है, अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये पता पड़ा। अब देखो एक्स पोजिशन, सबसे पहले इनके कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूं, देखो किस किस कार्बन की कर रहा हूं, इससे करते हैं, एक मिनट, ब्लू वाले मार्कर से करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड, बार बार के गिन रहे हैं बस, तीन चार पांच, ये नहीं, पांच और छह, सात आठ और नौ और दस। बोलो क्या आपको दस नंबरिंग तक दिख रहा है? अरे बोलो भाई, शाबाश। अब देखो इसको सेवन लेते हैं और इसको एट ले लेते हैं। अब होगा क्या, ये हेड पार्ट, कैसा पार्ट है ये? हेड पार्ट। अब याद करो मैंने आपको बोला था कि क्लोरोफिल ए है तो उसमें मिथाइल ग्रुप होता है, याद है? अभी यही बोला था। वो मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जुड़ा होता है? सेकंड रिंग के थर्ड कार्बन पर, सेकंड रिंग के थर्ड कार्बन। दैट मींस यहां पे कौन जुड़ा है? यहां पे जुड़ा हुआ है सी एच थ्री, ये रहा थर्ड कार्बन, ऐसे बना लेते हैं ब्लू से ही। देखो ये रहा थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? सी एच थ्री, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। यही पहचान है किसी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी का भी स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? सी एच ओ, एल डी आई ग्रुप जुड़ा होगा, पहचान लिया। अब थर्ड पे सी एच थ्री जुड़ा हुआ है और उसके अपोजिट सेवन पे यहां पर 20 कार्बन की एक चेन होती है। कितने कार्बन की? 20 कार्बन चेन। और यही वाला जो पार्ट है ना, यही पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा यही आपका टेल पार्ट है ना, फाइटोल टेल, ये फाइटोल टेल है। और ये हेड जो है कैसा है? पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड। ये वाला पार्ट पोरफायरिन हेड है और ये वाला पार्ट फाइटोल टेल है। दूसरी चीज, जो हेड पार्ट होता है ना वो हाइड्रो, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, बोलो वाटर, फिलिक मतलब लविंग, यानी ये वाला पार्ट वाटर लविंग होता है बेटा। जबकि फाइटोल टेल का जो पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, अगेन वाटर, फोबिक मतलब फोबिया यानी डर, यानी हेट कर रहा है उसको, तो ये वाटर हेटिंग है। ये बात पता चली? यानी ये वाला पार्ट क्या करता है? हेड पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन टेल वाला पार्ट, यार देखो ऑफिस की बात है, ये पूरा का पूरा 20 कार्बन की चेन है, दैट मींस ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। किसकी चेन है? हाइड्रोकार्बन। तो ये पूरी की पूरी जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन। क्या हाइड्रोकार्बन में ऑयल आते हैं? ऑयल, घी, तेल, तेल ऑयल ही होता है, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या हाइड्रोकार्बन पानी में सोलेबल होते हैं? क्या पानी में तेल मिल जाता है? नहीं मिलता है ना, तो फिर ये पानी में कैसे मिलेंगे? तो ये कैसा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन है, और हाइड्रोकार्बन हमेशा कैसे होते हैं? आगे जाकर देखो पेट्रोलियम, डीजल, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे। तो ये कैसे होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। बोलो क्लियर है? फटाफट से इसको बनाओ ताकि फिर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज को देखते हैं ना। तो क्विकली नोट करो। चलो तो अब बात करते हैं किसके बारे में, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी तो देखें फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है। वैसे तो मैंने कल के लेक्चर में बताया ही था, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हेडिंग है हमारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो चलो बात करते हैं किसके ऊपर, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव बना रहे हैं, एक लीव बनाते हैं, देखो ये रही एक लीव है ना, थोड़ा सा सुंदर बना लो, लो देखो एक लीफ दिख रही है ना। अब इस लीफ को हम लोग कैसे देख रहे हैं, ये लीफ है, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट, तो इसके बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट देख रहे हैं, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट, एकदम पतली सी लीफ है तो उसके बीच का हिस्सा देख रहे हैं। तो ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट है देखो इसको आगे बनाते हैं, ये है लीफ के ऊपर का पार्ट और ये है लीफ के नीचे का पार्ट, यानी ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर। नीचे वाली लेयर में देखो स्टोमेटा दिख रहे हैं, ये नीचे वाले पार्ट में क्या है, स्टोमेटा है लीफ के। स्टोमेटा का काम क्या होता है, क्या होता है, हाँ गैस एक्सचेंज, यानी ये क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ये है लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली है तो लोअर एपिडर्मिस, ये है अपर एपिडर्मिस, ऐसे बनाते हैं, देखो ये है अपर एपिडर्मिस, तो ये वाला पार्ट है बेटा अपर, ये वाला पार्ट है अपर एपिडर्मिस। इसके बीच में देखो यहां पर ऊपर की तरफ यहां एक लेयर और है जिसको आप बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल का काम क्या काम होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इतनी ज्यादा धूप है, लीफ के अंदर सारा पानी निकल गया तो खाना कैसे बनाएगी, CO2 तो बाहर से ले लेगी स्टोमेटा से, पानी कहां रहेगा। तो क्यूटिकल का क्या काम होता है, वाटर लॉस को रोकना। तो क्या करती है क्यूटिकल, प्रिवेंट वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। बोलो क्लियर है। अब देखो यहां पे बीच में अब आ रही है आपकी मीजोफिल सेल्स है ना, यानी इस तरह से आपकी ये सेल्स है, देखो देखो सेल्स दिख रही है बेटा, ये आपकी सेल्स आ रही है इस तरह से, देखो ये आपकी सेल्स आ गई, सबको दिख रही है सेल्स, हाँ ये जो सेल है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। देखो ये वाली सेल कैसी है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और इन्हीं को बेटा बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो वो सेल्स जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है उनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। अब ये और भी सेल्स हैं ऐसी, देखो दिख रही है यहां बीच में एक वैस्कुलर, ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ये क्या है, ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ये भी तो होते हैं लीफ में, आगे पढ़ेंगे लीफ की एनाटॉमी तब देखेंगे। अभी देखो क्या आपको यहां पर ये सेल्स दिख रही है, जरा बताओ क्या पहले वाली सेल की तरह अरेंज है ये, हाँ हाँ या ना, नहीं। तो ये कैसी है, ये लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, और जो लूजली पैक्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बोले ये बात समझ आई, बोले यहां तक समझ आया। अब ये जो सेल्स बीच में बची है ना, ये जो सेल्स बची हुई है, ये जो सेल्स है ये सारी की सारी सेल, दैट मीन्स पेरिसेट पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन सेल्स को ही बोलते हैं हम लोग मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स, मीजोफिल सेल्स। देखो समझो, मीजो का मतलब होता है बीच में, मीजो का मतलब बीच में, मीजो लेयर होती है ना,
अपर और मिडिल, अपर और लोअर के बीच में, तो मिजो मतलब बीच में है ना, मिडिल, और फिल का मतलब, फिल का मतलब लीफ, तो लीफ में दो लेयर के बीच में, तो कौन सी सेल्स है, मीजोफिल सेल्स। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में। चलो एक मीजोफिल सेल बनाए, देखो यहां बनाते हैं, दिस इज अ मीजोफिल सेल। कैसी सेल है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर एक होता है आपका बड़ा सा वैक्यूल, वैक्यूल होता है एक बड़ा सा, साथ में एक होता है यहां पर आपका न्यूक्लियस, एक क्या है आपका न्यूक्लियस, और साथ में एक होता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, बोलो पता चला। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर वैक्यूल है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है। अब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो देखो इस पूरी मीजोफिल सेल में भी फोटोसिंथेसिस कहां होता है, कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। छापने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, देख के समझ लो पहले। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट। चलो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बने, देखो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट, ये रहा, थोड़ा सा ओवल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कैसा होता है ओवल शेप। तो एक लेयर बन गई, देखो एक लेयर और बन गई, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये डबल लेयर्ड होता है, क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर होती है, इतनी बात क्लियर आई। दूसरी चीज देखो, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, यहां पे भी एक्सटेंशन आ रही है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हाँ इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, स्ट्रोमा नहीं बोलते बेटा। ये जो पार्ट है ना इस पूरे, इसको बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं बेटा इसको, है ना। ये जो फ्री स्पेस है ना, खाली सा जो रीजन है, इसमें जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। और ये जो लाइनिंग है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइनिंग है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, या स्ट्रोमा लैमेलाई या स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर है। इसके साथ साथ साइटो, ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए। नॉर्मली देखो आप बोलोगे सर मीजोफिल में भी है न्यूक्लियस, तो उसमें भी डीएनए होगा। तो भाई देखो मीजोफिल एक सेल है, मीजोफिल एक सेल है, क्या क्लोरोप्लास्ट एक सेल है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट सेल नहीं है। नॉर्मली डीएनए यानी न्यूक्लियस किसके पास होता है, सेल के पास होता है, लेकिन यहां पे ये सेल ऑर्गेनेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या है, ये एक सेल, सेल ऑर्गेनेल है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, जबकि मीजोफिल क्या थी, मीजोफिल सेल है। तो नॉर्मली सेल ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए नहीं होता है, खुद का राइबोसोम भी नहीं होता, लेकिन इन भाई साहब के पास है, पता चला। तो पहली बार पहले डबल लेयर है, दूसरा खुद का न्यूक्लियस है यानी डीएनए, तो खुद का डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है। थर्ड थिंग, यहां पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है,
और कौन से है 70s, 70s, 70s राइबोसोम किसमें मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। फिर अच्छे तो प्रोकैरियोट में कौन से मिलते हैं? हाँ प्रोकैरियोट में 70s मिलते हैं, 80s यूकैरियोट में मिलते हैं, पता चला? क्लियर है? बोलो यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब देखो जो ग्रेनम है ना इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। ग्रेनम के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? थोड़ी सा इसको वेस्कुलर बंडल थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना, ये रहा वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल। देखो जो ग्रेना है ना इसमें होती है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हो? फॉस्फोरलाइजेशन। फॉस्फोरलाइजेशन बोलते हो? बोलो हाँ या ना। ये जो स्ट्रोमा है ना बेटा, स्ट्रोमा इसके अंदर होती है सेल ऑर्गेनेल, मिटा के इधर लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा के अंदर होती है बेटा आपकी डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। बोलो क्लियर है? डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी होती है? केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल। बोलो पता पड़ रहा है? एक चीज और, ग्रेना में ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला, ये एक एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट को बोलते हैं थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। तो ये एक एक जो पार्ट है ना, देखो तीन है ना ये, ये तीनों थैलेकोइड है, इनको मिला के क्या बना? ग्रेनम बना। जरूरी नहीं है तीनों भाई वेरी कर सकते हैं, मैंने तीन बनाए। बोलो क्लियर है यहां तक? अब होगा क्या, जो आपका वो फॉस्फोराइजेशन हो रहा है ना, या बोलोगे फोटो फॉस्फोराइजेशन, तो फॉस्फोराइजेशन या फिर फोटो, फोटो लिख लेते हैं और अच्छा लगेगा, तो इसको लिखते हैं फोटो, फोटो फॉस्फोराइजेशन। तो लाइट रिएक्शन हो रही है ग्रेनम में, जो क्या है? फोटो फॉस्फोराइजेशन। अभी जो ग्रेना है ना आपका, ग्रेना यहां बना दूं, है ना, यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, ज्यादा फिर दोबारा से लेक्चर को वो नहीं बढ़ाना नहीं पड़ेगा। देखो ये है आपका थैलेकोइड, ये क्या है? थैलेकोइड। थैलेकोइड के अंदर आपका होता है पिगमेंट, ये रहा देखो क्लोरोफिल, ये रहा पिगमेंट, ये रहा पिगमेंट, देखो ये रहे पिगमेंट, दिख रहा है पिगमेंट? और ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। यानी जो लाइट रिएक्शन हो रही है वो ग्रेनम में भी कहाँ हो रही है? थैलेकोइड में हो रही है। बोलो समझ आया? तो क्लोरोप्लास्ट का नेम पता होना चाहिए कि भैया खुद का DNA लेके घूम रहा है, खुद के राइबोसोम लेके घूम रहा है, खुद के ग्रेनम है जिसमें लाइट रिएक्शन हो रही है, स्ट्रोमा है जिसमें डार्क रिएक्शन हो रही है। बोलो क्लियर है? ये है आपका बेसिक। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो इसको नोट कर लो और बाकी पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। कर लो नोट।